पर 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज भी मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 22,000 यजीदियों के बुज़दिल फौज, हमें तो सिर्फ करबला के 72 हुसैन चाहिए। इसलिए ये बरसों पहले गांधी जी ने कहा था, हुसैन की तरह सब्र तहमुल वाला, हुसैन की तरह हिम्मत तो इस्तेकलाल वाला, सिर्फ 72 जवान मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंग्रेजों से भारत को आबाद करा लिया होता। इसलिए अगर सुनोगे तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल ले या रसूल अल्लाह। याद रखना, आज हर आदमी की अपनी अपनी एक पसंद है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी च्वाइस है। कोई किसी नेता को पसंद करता है, कोई किसी अभिनेता को पसंद करता है, लेकिन बरेली ये झूम जाओ, हम न किसी नेता को पसंद करते हैं, हमें न किसी अभिनेता से प्यार है, हमें अगर प्यार है तो मदीने वाले आका से प्यार है। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये सैटेलाइट का जमाना है, ये एबीएन का जमाना है, ये मशीन जिसे चाहे हरा दे जिसे चाहे। याद रखना, ये इलेक्शन का दौर है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी की बातें करता है, जिसको जिस पार्टी से प्यार होता है वो उसी पार्टी की बोली बोलता है, जिसको जिस नेता से प्यार होता है वो उसी नेता की बड़ाई करता है। जब मैं इस दुनिया का जायजा लिया तो यही मंजर मेरे निगाहों के सामने आए कि इस जमीन पर एक से एक कलमकार ने जन्म लिया, इस धरती पर एक से एक राइटर पैदा हुए, इस जमीन पर एक से एक मुसन्निफ ने जन्म लिया, लेकिन जिस राइटर पर जिससे मोहब्बत थी उसने उसी की तारीफ की, किसी कलमकार ने कलम उठाया और लिखा दिल्ली का कुतुब मीनार आला, किसी ने लिखा आगरा का ताजमहल आला, किसी ने लिखा बनारस की सुबह आला, किसी ने लिखा लखनऊ की शाम आला, किसी ने लिखा कश्मीर की हसीन वादी आला। तब मैं पहुंचा इसको मोहब्बत के शहर शहरे बरेली, और आला हजरत की तुर्बत पे चूम कर दिया, ए इमाम इश्क मोहब्बत, इस सदी के सबसे बड़े मुसन्निफ आप हो, इस सदी के सबसे बड़े मुजद्दिद आप हो, इस सदी के सबसे बड़े राइटर आप हो, इस सदी के सबसे बड़े कलमकार आप हो। फतवा रज़वी के आपने लिखा, हसनुल हरमैन आपने लिखा, हताई के बख्शीश आपने लिखा, और जब सऊदीया के रियाल के पलने वाला इंडिया के वहां भी जाने नामुसर रिसालत पे हमला किया, इनमें कैदे पैगंबर पे उंगली उठाई, दूसरी मक्के के वादी में बैठकर सिर्फ 8 घंटे में 550 सफा की किताब अदौलत मक्किया ने लिखी। ए इमाम इश्क मोहब्बत, आप भी बता दीजिए आपकी नजरों में आना को, आपकी नजरों में आना को, तब सुन निकल की जा ईमान की पहचान। ए इमाम अहमद रजा खान बरेली के टूटी चटाई पे बैठ के बोल पड़े, अहमद रजा की नजर में न दिल्ली का कुतुब मीनार आला है, न आगरा का ताजमहल आला है, न लखनऊ की शाम आला है, बल्कि अहमद रजा की नजर में सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे से इस्लाम में चमका।